अपराधियों को जीने का राइट छीनना चाहिए। समाज के लिए वो जहर हो चुका है। यदि गैंगवार लड़ाई ऐसे थी तो उसकी बेटी और बहन से क्या मतलब था। एसटीएफ जो ऐसे अपराधियों को जो ठोकेगा उसको लाख से ऊपर रुपए। भैंस चराने के लिए 10,000 भैंस आता है, वो नहीं चाहता है कि भैंस चराने के लिए यहाँ आवे तो 1,000 रुपया टैक्स दे, दूध का टैक्स दे। कटिहार का एक एमएलसी अग्रवाल 20 आदमी राइफल लेकर खड़ा है, वो कहाँ से राइफल आया है? कानून का पूजा यादव राइफल दिया है, पागल यादव राइफल दिया है मोहन ठाकुर को मारने के लिए। कटिहार जिला में 30 नवंबर को एक घटना घटी थी जो पूरा जिला थर्रा गया था। मामला ये था कि कटिहार जिले के बराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत में मोहना चांदपुर एक गांव है, जहां पे 5 लोगों का जो है निर्मम हत्या करने का जो मामला है वो सामने आया था। उस दिन पुलिस ने एक सबको ही बरामद कर लिया था। हालांकि पुलिस की जो इस घटना के बाद है वो लगातार चौकसी बढ़ गई है। एसपी जो वहां पे जितेंद्र कुमार हैं वो उस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं पैनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार 4 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और लगातार आप कह सकते हैं कि छापेमारी जो है अपराधियों को पकड़ने के लिए वो कहीं ना कहीं चल रहा है। क्षेत्र में पेट्रोलिंग जो है पुलिस की वो बढ़ा दी गई है। हालांकि इन सब चीज़ों के बीच में जो कह सकते हैं कि जो जाप सुप्रीमो है पूर्व सांसद पप्पू यादव वो उस गांव पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक सहायता भी देते हैं और सीधे तौर पे पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा करते हैं। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो वहां के जो एक एमएलसी हैं भाजपा के एमएलसी हैं सीधे तौर पर उन्होंने नाम भी ले लिया है, अशोक अग्रवाल जो है उनको भी टारगेट करते हुए कहा कि जो मोहना ठाकुर है जो कुख्यात अपराधी है उसको कहीं ना कहीं अशोक अग्रवाल संरक्षण दे रहे हैं और उसके संरक्षण राजनीतिक संरक्षण के तहत में ये जो है घटनाएं हो रही है। आप आपको समझना ये होगा कि आखिर ये मोहना ठाकुर कौन है। मोहना ठाकुर आप कह सकते हैं कि लगातार जीरा क्षेत्र में इसका वर्चस्व हो रहा है, अपराधित किस्म के लोग हैं लगातार वहां पे कई अनेक मामलों में इसका नाम जुड़ता आ रहा है। पप्पू यादव पिछले दिन वहां पहुंचते हैं, पप्पू यादव जब वहां पहुंचते हैं तो लोगों से जो मिलते हैं इसके बाद उनकी पीड़ा को सुनते हैं। पप्पू यादव सीधे तौर पर आज पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये जो मोहना ठाकुर गिरोह है और उसका जो आतंक है, जो भी व्यक्ति या जो भी जन, मतलब जन का मतलब समझ रही होंगे, जन मतलब युवा होता है, उसको मार देगा तो उसको 2,00,000 रुपया तक का इनाम जो है वो देंगे। अब सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव जिस तरह से बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो स्पष्ट तौर पे अंदेशा है कि जो अपराधी हैं वो अपराधी को पकसने के मूड में नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पप्पू यादव सरकार हो गए हैं? क्या सरकार के तहत वो इनाम दे रहे हैं? क्या पुलिस की जो कार्रवाई है उससे कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है? पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा करता है उनका इस तरह का जो बयान है। हालांकि मोहना ठाकुर जो गिरोह है उसने भी पप्पू यादव पे आरोप लगाया था, उसका जवाब भी पप्पू यादव जी ने आज दिया है। उस पर कहा है कि ये अपराधी है, अपराधी तो बेशक रूप से जो मोहना ठाकुर है वो है ही, वो घटनाएं कर रहा है। 4-5 लोगों की जो हत्या है वो धीरा क्षेत्र में हुई है, लगातार पुलिस जो है वो सब बरामद कर रही है। अब सवाल ये है कि जो बिहार पुलिस है वो अब क्या करता है। मोहना चांदपुर में मोहना ठाकुर का जो है आप कह सकते हैं कि अपराधी है जो उसका कहर भी है। अब देखना ये होगा कि लगातार जो जिले के पुलिस कप्तान हैं वो पैनी नज़र बनाए हुए हैं, वो गश्ती बढ़ा दिए हुए हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है इस घटना के बाद और लगातार पुलिस जो है वो छापेमारी भी कर रही है। अब पप्पू यादव जिस तरह से एमएलसी पे भी आरोप लगा रहे हैं वो कहां तक जायज है वो भी एक जांच का विषय बनता है। देखिए आज पप्पू यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या क्या कहा है और क्या बोला है। एक जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो पूरा एक वीडियो भी दिखाया है कि किस तरह मोहना ठाकुर ने चुनाव के समय में जो वहां के उस समय के वर्तमान मुखिया थे उसको धमकाया है, उस पर क्या कहता है कहीं ना कहीं लोग वहां पे भय डरे हुए हैं, भयभीत हैं, संशय में हैं। और पूरे तौर पे पप्पू यादव ने मोहना ठाकुर पर सीधे तौर पे ये कह दिया कि अपराधी है और अपराधी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जो घर घुसता हो, जो माँ बेटियों को छेड़ता हो और वो उस तरह का आरोप पप्पू यादव सीधे तौर पे उसको कुख्यात पे लगा रहे हैं। अब देखना है कि जो कटिहार पुलिस जो काम कर रही है वो कितना मुस्तैदी से और काम करेगी। एक रिपोर्ट देखिए कि पप्पू यादव ने इस पूरे अपने बयान में क्या कहा है। मैं एक बात पूछूं, कौन एमएलए एमपी मंत्री संतरी लगभग
70% एमएलए एमपी 80%, कौन ऐसा एमएलए एमपी है जो जमीन, बालू, शराब, और गांजा के हरकत में, ड्रग्स की हरकत में बंद इन्वॉल्व ना? नाम बताए ना, आप कभी नहीं पूछा, नाम बताते नहीं है। भैया नाम हम आरा में बताए थे, आपको याद नहीं? इशारों में बता देते हैं भैया, नाम आरा में बताए थे, हीरोइन कौन बेचवाता है, सेठ नाम मैंने आरा में बताया था, कौन मर्डर करवाया। जहां नाम की जरूरत होती है, आपको क्या लगता है किसको छोड़ दिए? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ये सारे घटनाओं के पीछे पॉलिटिशियन की भूमिका है। जितने नीतीश कुमार जी की राजनीति टाल से शुरू हुई और लालू यादव की राजनीति दियारा से शुरू हुई, और टाल और दियारा को शहर से ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, आजादी की जरूरत, फ्रीडम की जरूरत। इसके पहले भी शाह बनिया और एक निषाद को इन्होंने वहां के गैंग वार में मारा गया था 3 साल पहले, तब भी पप्पू यादव वहां पहुंचे थे। जब जब कटिहार में या कहीं घटना घटित होती है तो उसके जस्टिस के लिए पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचता है, ये मैं आपको बताऊं। मेरे लिए चाहे वो अवधा हो, दियारा के उस पार, नदी के उस पार का लोग हो, चाहे एक ग्रुप हो, चाहे कुछ भी हो, 10-10 सालों से, 15 सालों से वहां के खेत जिनके हैं उनकी जमीन परती पड़ी हुई इन दोनों की तरफ। भैंस चराने के लिए 10,000 भैंस आता है, वो नहीं चाहता है कि भैंस चराने के लिए यहां आवे तो 1,000 रुपया टैक्स दे, दूध का टैक्स दे। कटिहार का एक एमएलसी अग्रवाल, जिन्होंने इस अपराधी के बदौलत वहां नींद, उसकी संलिप्तता आप बता रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार नहीं, एमएलसी पर कटिहार में कई घटनाओं को करने का पहले भी लग चुका है। एफआईआर, नौ एफआईआर करने का काम संलिप्तता मैंने नहीं कही, मैंने कहा प्रोटेक्शन के जमीन पर उन्होंने जबरदस्ती इन क्रिमिनल के मार्फत से मिट्टी कटवाकर टेंडर में डलवाया। जांच मैंने कहा सीएम साहब को कर दी। ये लोकतंत्र है, कार्बाइन, राइफल, भोट, सुनिए, वोट नहीं दीजिएगा, अब चेंज किया तब बोला, तब वोट नहीं देंगे, तब एसएलआर पकड़ने करते गए थे। मनिहारी से भाग के यहां आए, बहुत सशक्त अपराधी एक हुआ,
अपराधी अपराधी होता है, कोई जात धर्म मजहब नहीं होता। अपराधियों को जीने का राइट छीनना चाहिए, समाज के लिए वो जहर हो चुका है। और जो आम आदमी के लिए जहर हो उसको पप्पू यादव प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। कोई हो, दस दस सालों से जमीन परती पड़ी हुई है, 50 बीघा 100 बीघा, ये कौन सा कानून था? मकई बोएगा काट लेगा, ये कौन सा कानून था? यदि गैंगवार लड़ाई ऐसे थी तो उसकी बेटी और बहन से क्या मतलब था? इसीलिए हम 11 तारीख को सीमांचल कोसी के 7 जिले के सारे सीनियर साथी को मैंने खुर्दा बुलाया है, इंटायर साथियों को, इस इलाके के डेवलपमेंट विकास और इस इलाके के पीस सौहार्द अमन और अपराध मुक्त के लिए हम साथियों से राय करेंगे 11 तारीख को 10:30 से 4 बजे तक। और हम किशनगंज और मनिहारी से शुरू करेंगे इस आजादी की, एक एक गांव जाएगा। हमें गरीबी से इस इलाके में मुक्ति के साथ साथ इन माफिया अपराधी और नेताओं से मुक्ति चाहिए, जो सीमांचल और कोसी का इस्तेमाल करती है। सीमांचल आएगा हिंदू मियां, कोसी जाएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड। हमें ना तो हिंदू मियां चाहिए ना तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, हमें सीमांचल और कोसी से बीमारी और गरीबी दोनों मुक्त करना है। कुपोषण सबसे ज्यादा, कैंसर सबसे ज्यादा, टीबी सबसे ज्यादा, हैजा सबसे ज्यादा। चेयरमैन को मार दिया सोनार चेयरमैन को, वहां भी कहा जो एसटीएफ जो ऐसे अपराधियों को जो ठोकेगा उसको 1,00,000 से ऊपर रुपए। सोसाइटी के लिए अपराधी खतरा बन चुका है, आम आदमी के लिए अपराधी खतरा बन चुका है। पुलिस को ऑफर दे रहे हैं, आम व्यक्ति को ऑफर दे रहे हैं? भैया अपराधी को जो मारेगा 1,00,000 से ऊपर रुपए। हम तो कानून का ही सहारा लेंगे ना, कानून की बंदूक की गोली यदि नहीं उगलेगी तो अपराधियों का इलाज, जन में ताकत है ना, जनतंत्र है ना, जन अपनी सुरक्षा करेगा ना।